तो आवाज़ शायद आप लोगों को ना जा रहा होगा ठीक से। तो अभी हम लोग आए हैं चर्च, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि क्या है कैसा है। तो आप लोग ब्लॉग पे लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं चर्च, चर्च के सामने, चर्च नहीं बोल सकते हम लोग, चर्च के सामने हैं हम अमन भैया। और अभी भीड़ काफ़ी है तो सारे जन खो गए हैं। अभी आप लोगों को दिखाते हैं क्रिसमस हो गया, गाड़ी गाड़ी भाई, भीड़ काफ़ी है। अरे संजय भैया लोग इधर है, ए बजेस भैया इधर, बजेस भैया और कमलेश भैया, जीतू भैया। तो हम लोग अभी कैंडल लेंगे, ग्लैमर काफ़ी है। तो वहाँ जाने के लिए सबसे पहले लाइन लगना पड़ेगा हम लोगों को, उसके बाद लाइन से हम लोग वहाँ जाएंगे। हम लोग चर्च पे आ चुके हैं, तो अभी हम लोग कैंडल खरीदेंगे, उसके बाद कैंडल जलाएंगे और देखते हैं अगर अंदर जाने दिया गया तो हम लोग अंदर जाएंगे, वरना अंदर तो जाना मुश्किल है। तो चलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये कोविड के चलते हम लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, सबको यहीं से कैंडल जला के वापस जा रहे हैं। गड़बड़ हो गया कि कोविड ने हमारा क्रिसमस मार दिया, कोविड के चलते हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया। गेट से कैंडल जलाओ, गेट से बाहर भागो, कैंडल जलाते हुए हम लोग वीडियो भी नहीं बना पाए क्योंकि भीड़ काफ़ी था, और मतलब पूरा प्लान चौपट हो चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट चर्च पे जाएंगे, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। तो हम लोग अभी यहाँ से नेक्स्ट चर्च पे जाएंगे, देखते हैं अगर वहाँ पे हम लोगों को घुसने मिला आइसक्रीम, तो वहाँ घुस के देखेंगे आइसक्रीम आइसक्रीम कर ले। अगर हम लोगों को वहाँ घुसने मिला तो हम लोग वहाँ घुसेंगे और अच्छे से देखते हैं, अगर क्रिसमस ट्री वगैरह दिखा तो हम लोग वहाँ पे सिनेमैटिक लिखा लेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने सिनेमैटिक नहीं निकाला एक भी, तो डालेंगे क्या वीडियो पे तो मज़ा नहीं आएगा। चलते हैं, बजेस भैया भी गाड़ी निकाल रहे हैं इधर लमन भैया, तो हमारा एक्टिवा, हमारी शान एक्टिवा में हम जाएंगे। अरे यार आइसक्रीम, ये आइसक्रीम बेचने का धंधा भी सीख लिया, आइसक्रीम ले लेना भैया, ठंडा में दीजिए बता। यहाँ तो हम लोग अभी यहाँ जाते हैं, कौन सा जगह है भाई, जुलू कॉलोनी, सुरेश कॉलोनी नहीं, यहाँ कौन सी है सेंटर, परमाना सेंटर, जेबियर एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट। और ये हमें, अरे हम लोग यहाँ पे आ गए, सिनेमेटिक निकाल लेते हैं। हम लोग यहाँ से अभी शूट करके जा रहे हैं, अच्छा लगा, काफ़ी पीसफुल जगह था, कोई शांति, पूरा अच्छे से शांत से बीता, वहाँ तो बहुत क्राउड था। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट चर्च जाएंगे ना, नेक्स्ट चर्च पे हम लोग जाएंगे बजेश भैया के साथ। हमको आपसे सवाल है, आप यहाँ आए तो कुछ बोले या नहीं बोले, शादी हो गया क्या भाई, कहाँ बोलेगा अभी अभी सबसे पॉइंट वाला बात था, ये था कि हम लोग यहाँ पे आए बट वहाँ मैं शूट करने के लिए प्रे करने किसी को बोल रहा हूँ तो किसी को प्रे करने ही नहीं आ रहा था वहाँ पे, खाली बस सब देख रहे हैं खड़े होके, किसी को प्रे करने नहीं आ रहा है। तो चलिए अभी हम लोग किसी से बात में, जो बर्जेस जी है यूट्यूब में सर्च मार रहे हैं प्रे कैसे होता है, सॉरी संजय भैया यूट्यूब पे सर्च मार कर रहे हैं हाउ टू प्रे इन चर्च। चलिए अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चर्च पे, वहीं मिलेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने एक्टिवा पे नेक्स्ट चर्च पे। और ये हमारे बर्जेस भैया के पापा का ऑफिस, जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, अभी उनका बॉस का घर दिखाया था, अभी उनका ऑफिस दिखाया, पिछले ब्लॉग में दिखाया था शायद, नहीं इसी ब्लॉग में। अभी हम लोग आ गए हैं चर्च, और यहाँ भी यहाँ का माहौल भी कुछ ऐसा ही है, पीर्स रोड, यहाँ सड़क थोड़ा चौड़ा है तो ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, बट हम लोग अभी अंदर जा कर देखते हैं क्या है नहीं है, अंदर जाने के बाद पता चलेगा। और ये हम लोग बस स्टैंड के पास वाले चर्च पे हैं, अभी देख सकते हैं। अरे अभी हाँ अंदर घुसने मिल गया, कोविड का खतरा नहीं मिला हम लोगों को, अभी भीड़ है इसलिए थोड़ा अपने में हम लोग सेफ्टी हो गए हैं, दो गज दूरी लगा लेते हैं, मास्क है जरूरी, हम लोग पहन लिए हैं, यहाँ सब हीरोइन बनने के चक्कर में मास्क नहीं लगाया, पर कोई नहीं हम तो लगाएंगे। कुछ ऐसा नज़ारा, यहाँ पानी पूरी मिल रहा है, इस ठंड में पानी पूरी भी कौन खाता है भाई, देखो चारों ओर पानी पूरी, खाने वाले तो खाएंगे ही, और ये पेस्ट्री
और ये अच्छा यहाँ पे मार्केट भी लगता है, देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट भी लगे हुए हैं। ये क्या है, बेसन लड्डू क्या है भैया? ये अच्छा का फेमस है पता है, बरकट्ठा बरी या बरकट्ठा है ना? पहले उधर से आते हैं, उसे सोचेंगे चौपारण, ठीक बोले चौपारण, चौपारण का फेमस डिश। अच्छा वहीं से आए हैं खीरमोहन, खीरमोहन खाइए और खो जाइए, हजारीबाग में कौन खोएगा भाई। ये यहाँ का, और ये हम लोग आ चुके हैं अंदर, अंदर में कुछ ऐसा माहौल है। और ये क्या है, स्टेफेंस? अच्छा स्टेफेंस चर्च का बोर्ड लगा हुआ है। अरे चर्च तो खुला है पर अंधेरा है, वाई। तो चलिए अभी मैं सिनेमैटिक पहले शूट करता हूँ यहाँ का पूरा, उसके बाद जो बाकी का देखेगा, अभी मेरे सिनेमैटिक शूट कर लेता हूँ यहाँ का, वो सिनेमैटिक से आप लोगों को दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो शॉर्ट होगा तब। देखिए हमारा झारखंड में ताक झाक होना कहीं भी नहीं छूटता है, वो चर्च हो या कुछ भी हो। देखिए ताक झाक नीचे को बैठ के देख रहा है। हाँ इंडिया गुरु, यहाँ सब ऐसा ही चलता है। अभी हमारे सब किधर गए, हम लोग वो सेट से अभी हम लोग इस सेट जाएंगे, इधर देखते हैं क्या है, कभी गए नहीं है चर्च में, फर्स्ट टाइम एंट्री है मेरा ये इस चर्च पे। इधर कुर्सी वगैरह लगे हुए, लगता है कुछ फंक्शन वगैरह होता है, बड़ा चर्च है। ओहो और ये इधर है ग्राउंड। अच्छा ये देखिए बाहर से कुछ दिख नहीं रहा था बट अंदर ग्राउंड है, एक फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा इधर का। अरे कुछ नहीं है यहाँ, शायद पहले कुछ होता था, कैंडल वंडल दुर्गेश बता रहा था, यहाँ शायद कुछ अच्छा टाइप से सस्ता उस्ता था, और यहाँ फंक्शन भी होता था। फंक्शन नहीं, खाली फोटो शूट हो रहा है। नहीं नहीं मतलब पहले होता था, अब लॉकडाउन का, पहले लॉकडाउन के चलते कुछ इधर कैंडल वंडल शायद बहुत सारा इधर कैंडल वंडल लगाए जाते थे यहाँ प्रोग्राम, उसमें ना क्रिसमस से काफ़ी अच्छा है। हम लोग इस चर्च में भी घूम लिए, इधर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था बट सिनेमैटिक शॉट अभी तक नहीं निकालने मिला, वहाँ भी काफ़ी है संजय भैया, सिनेमैटिक शॉट अभी निकालने नहीं मिला, पर चलते जाते भी फिर से कोशिश करेंगे, भीड़ काफ़ी है बट लेंगे आप लोगों को सिनेमैटिक शायद पहले देखने को मिल जाए। फाइनली हम लोग चर्च से घूम कर आ चुके हैं अभी यहाँ धोबिया तालाब के पास, देख सकते हैं सब होकर सब चाय पी रहा है। और अभी मैं चाय सजेस्ट करना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा चाय मिलता है, मैं आप लोगों को बाहर से दिखा दूँगा एड्रेस। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो पर, बाय बाय। धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है, छोर रजौरी से दादर है, शोर वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है, पागल है।